हेलो स्टूडेंट्स, मार्शल विकास कुमार साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर इन भारती कॉलेज ऑफ फार्मेसी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियस प्रेजेंट इन सेल। हम सेल का जो लास्ट टाइम जो स्टार्ट किए थे स्टूडेंट्स, सेल स्ट्रक्चर के बारे में, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स। प्लांट सेल्स को कम हम पढ़ेंगे, एनिमल सेल्स के बारे में अधिकतर पढ़ेंगे। जो कंपैरिजन रहेगा उसको हम थोड़ा सा करते हुए आ रहे हैं कि किस तरीके से जो प्लांट सेल होता है वह एनिमल सेल से किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है, उसके बारे में हमने पढ़ा है। और उसी प्लांट सेल्स और न्यूक्लियस सेल्स के डिफरेंसेस के बिहाफ में हम जो सेल्स हैं उसको हम अलग अलग डिवाइड करते हैं। तो जो एनिमल सेल्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसमें कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल्स होता है, जो कि जो कोई भी जो सेल्स होता है उसको जो है वो कंट्रोल करता है। उसको जो न्यूक्लियस होता है उसको हम एक तरीके से सेल का मस्तिष्क भी कह सकते हैं। डबल मेम्ब्रेन होता है, कंटेन द क्रोमोसोम न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोटीन। जो न्यूक्लियोलस होता है वह न्यूक्लियस के अंदर में होता है और वह प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए या फिर डीएनए के सिंथेसिस के लिए, और जो न्यूक्लियोलस होता है वो मेनली जो है वो आरएनए का निर्माण करता है। आरएनए जानते हैं, जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए और आरएनए। तो जो न्यूक्लियोलस होता है वो मेनली जो है आरएनए का फॉर्मेशन करने में मदद करता है। और जो न्यूक्लियस होता है वह डबल मेम्ब्रेन होता है, जिसके कारण जो है वो सेल जो है जितने भी ऑर्गेनोल्स होते हैं वह जो इसी में स्टोर होते हैं, और जितने भी एनर्जी हैं और भी जितने एक्टिविटी हैं, जो सेल्स एक्टिविटी हैं वो इसी के अंतर्गत होते हैं। जैसे एटीपी का बनना, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से ट्राई एडेनोसिन फॉस्फेट बनने में मदद करते हैं। अब न्यूक्लियस का थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरीके से जो न्यूक्लियस है वह दिखाई देता है। ये जो न्यूक्लियस है यह जो सेल के बीचों बीच रहता है उसको हम जो सेल का मेम्ब्रेन भी करते हैं, हमने पढ़ा है। और यहाँ पे न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, ये न्यूक्लियर एनवलप्स होते हैं। अब हम देखते हैं न्यूक्लियर एनवलप्स। न्यूक्लियर एनवलप्स होता क्या है, जो कि पर्टिकुलर सेल में मौजूद होता है। सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल। जो न्यूक्लियस होता है उसका जो एनवलप होता है वह मेनली जो है वो सेपरेट होता है अदर रेस्ट ऑफ सेल्स से। डबल मेम्ब्रेन होता है, हैज पोर्स होता है, और वह जो है वो पोर्स कंटेन करके रखता है। उसके बाद हम देखते हैं डीएनए, डाई एडेनोसिन न्यूक्लिक एसिड जो है वो प्रोटीन के द्वारा बनता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड के द्वारा
जो है वो डीएनए का निर्माण होता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड, नाइट्रोजनस बेस, जो कि फास्फोरिलेशन के द्वारा जो इनऑर्गेनिक फास्फेट होता है वो डायडोसिन फास्फेट से ट्राइड के द्वारा जो है वो बनता है और डीएनए का निर्माण करता है। हेरिडिटरी मटेरियल्स हैं, मतलब यह अनुवांशिकी, मतलब यह है गुणधर्म को गुणसूत्र के नाम से भी जाना जाता है, जिसके द्वारा जो पेरेंट्स के भी जो भी गुणसूत्र है वह पर्टिकुलरली अपने प्रोजेनी या फिर संतान के पास, चाहे वो डिसीज़ के रूप में हो या फिर कुछ लक्षण के रूप में हो, पेरेंट्स से जो है वो अपने प्रोजेनी या फिर संतान के तरफ एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी जो है वो डीएनए के माध्यम से ट्रांसफ़र होता है। डीएनए जो है दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। सेल मेम्ब्रेन के आधार पर डीएनए को दो प्रकार से बांटा गया है, एक है यूकैरियोटिक्स में पाए जाने वाले डीएनए, दूसरा है प्रोकैरियोटिक्स में पाए जाने वाले डीएनए। यूकैरियोटिक्स में जो डीएनए पाया जाता है वो 7S टाइप का डीएनए होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है वो यूकैरियोटिक्स में पाया जाता है, जो 80S के रूप में पाया जाता है। और यह फर्दर डिवाइडेड होता है टू टाइप से, जो 7S वाले हैं प्रोकैरियोटिक्स वो 30S और 50S में डिवाइडेड होते हैं, और जो 80S वो 40 और 60S में फर्दर डिवाइडेड होते हैं। जो डीएनए होते हैं वो डबल स्टैंडर्ड होते हैं, यह जो लीनियर टाइप के जो डीएनए पाया जाता है वो मोस्टली जो है वो यूकैरियोटिक्स में पाए जाते हैं, और जो गोल चपटा सर्कुलर 7S टाइप का पाया जाता है वह यूकैरियोटिक्स में पाए जाते हैं। डीएनए जो है वो नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बना होता है, वो भी फर्दर डिवाइडेड होता है प्यूरिन तथा पिरिमिडिन में। प्यूरिन में ए और जी करके पाया जाता है, दूसरे में टी और सी करके पाया जाता है, ये जो है एक दूसरे के बीच की जो दूरी होती है जो कि एक डीएनए के जो राउंड या फिर पिच बोला जाता है, जिसमें 34 एंस्ट्रॉम जो है वो उसका चौड़ाई होती है, और उसमें लगभग 10 नाइट्रोजनस बेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं एक दूसरे से, और 3.4 एंस्ट्रॉम की दूरी में एक दूसरे से लगे होते हैं। और जो डीएनए होता है वह एक दूसरे के साथ लगे रहते हैं, और जो ए और टी है, एडेनिन थायमिन, एक साथ लगे रहते हैं और एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, और यह जो है वो डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और जो सी और जी हैं, ये जी और सी हैं, वह ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जो है एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं, जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेरिडिटी प्रॉपर्टी के लिए, मतलब आनुवांशिकी गुणधर्म के लिए। क्रोमोसोम डीएनए प्रोटीन्स फॉर्म फॉर सेल डिवीजन क्रोमेटिन्स, और जो प्रोटीन्स होते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं
डीएनए की ग्रोथ के लिए फॉर द सेल डिवीजन। एंड क्रोमेटिन्स पाए जाते हैं, क्रोमेटिन्स जो बहुत सारे क्रोमेटिन्स मिलके आगे चल के क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। क्रोमेटिन जो है वो एक बॉल में रखे गुच्छे के समान जो है वो प्रतीत होता है। आगे हम और कंटिन्यू करते हैं कि न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस क्या होता है। मोस्ट सेल हैव टू आर द मोर न्यूक्लियोलस। जो सेल्स होते हैं वह एक दो या दो से अधिक न्यूक्लियोलस जो है वो कंटेन करके रखते हैं। डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ द आरएनए, जैसे कि मैंने पहले बताया था, आरएनए का निर्माण करता है, लेकिन आरएनए भी तीन प्रकार का होता है। एक होता है आरआरएनए, एक होता है एमआरएनए, एक होता है टीआरएनए। आरआरएनए जो होता है वह आरएनए का 80% आरएनए जो होता है वो आरआरएनए जो का निर्माण होता है, मतलब 80% अधिकतर पाया जाता है। एमआर में एमआरएनए का फॉर्मेशन जो है ट्रांसक्रिप्शन का जो है लास्ट उत्पाद के रूप में जो बनता है, जो डीएनए से डीएनए बनता है, उसके बाद फिर ट्रांसक्रिप्शन होता है तो आरएनए बनता है, आरएनए से फिर प्रोटीन्स का निर्माण होता है। तो जो ट्रांसक्रिप्शन स्टेज रहता है उसमें जो अंतिम उत्पाद बनता है डीएनए से आरएनए, उसमें जो एमआरएनए का निर्माण होता है। तो जो न्यूक्लियोलस है रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। राइबोसोमल फॉर आरएनए भी कहा जा सकता है, फॉर्म एंड राइबोसोम, इस कारण जो है वो उसको राइबोसोम्स का जो है फॉर्मेशन करता है। तो जो न्यूक्लियोलस होता है, जैसा कि हम स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, जो कि सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाहरी आवरण होता है, न्यूक्लियस उसके अंदर का जो है केंद्रक होता है, जिसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। इस तरीके से न्यूक्लियस जो है वो ब्रेन कहलाता है सेल्स का, और न्यूक्लियोलस फॉर्मेशन करता है आरआरएनए का। इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स द मूव द सबस्टेंस विथ इन द सेल्स। जो सबस्टेंस होते हैं जैसे प्रोटीन्स होते हैं, उसका जो है वो पैकेजिंग करना, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, इसमें जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो बहुत ज़्यादा मदद करता है। और उसको सेपरेट करना या फिर उसको छांटना, यह जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका होता है, जो कि सेल्स के अंदर जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उसका सिंथेसिस करना, पैकेजिंग करने का काम करता है। नेटवर्क ऑफ द इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन, और जो है वो नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन्स के बीच, दो सेल के मेम्ब्रेन के बीच जो होता है, ताकि एक सेल से दूसरे सेल में जो है प्रोटीन का ट्रांसफ़र हो सके। टाइप ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा खुरदुरा होता है, अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें, और जो उभरा हुआ जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है उसको हम राइबोसोम्स कहते हैं। राइबोसोम इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। सो वी कैन से दैट कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वह जो आगे चल के प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो पाया जाता है सेल्स के अंदर, उसमें राइबोसोम जो है वो अब्सेंट होता है। इसके कारण वह प्रोटीन सिंथेसिस में मदद नहीं करता। वह जो ड्रग है, अल्कोहल है,
और जो टॉक्सिक इफेक्ट होता है बॉडी में उसको जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो करता है। और आगे हम देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज इतना ही वीडियो करते हैं, आगे हम और कंटिन्यू करेंगे सेल डिजाइन में। थैंक यू।